हेलो जी, कॉमन एंटरटेनर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं मिली के ट्रेलर के बारे में, या फिर मैं कहूं कि आज हम कंपेयर करने वाले हैं मिली के ट्रेलर को हेलन के ट्रेलर से। क्योंकि भाई अभी तक हमें ये तो पता चल ही गया है कि मिली एक रीमेक मूवी है हेलन मूवी की। तो पहले हम ट्रेलर के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं। तो देखो भाई, ट्रेलर देखने से तो प्रॉमिसिंग लग रहा है। क्या पता इसका कारण ये है कि हमें ट्रेलर में जाह्नवी के डायलॉग और उनके एक्सप्रेशन एक साथ बहुत कम दिखाए गए हैं, और जहां पे हमें उनके एक्सप्रेशन और डायलॉग एक साथ दिख रहे हैं भाई, वहाँ पे हमें क्लासिक जाह्नवी दिख रही है। जैसे कि वो पेट पे मुक्का मारने वाला सीन ही देख लो। तो ओवरऑल ट्रेलर प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या ये रीमेक ओरिजिनल हेलन मूवी को टक्कर दे पाएगी या नहीं। क्या जाह्नवी इस कैरेक्टर को एनाबेन से अच्छा कर पाएगी या नहीं। तो भाई इसी चीज के जवाब के लिए हम लोग सीन कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिज वाले सीन की। तो देखो भाई, यहाँ पर क्योंकि रीमेक में ज्यादा पैसा लगाया गया है तो वाइब ज्यादा अच्छी आ रही है, लेकिन अगर हम इमोशन और एक्टिंग की बात करें तो ऑब्वियसली वो ओरिजिनल में ही ज्यादा अच्छी है। अब बात कर लेते हैं मूवी की मेन कैरेक्टर के बारे में, यानी कि हेलन और मिली के बारे में। सबूत? कौन सा सबूत? पीठ में मुक्का मारेंगे, झूठ बोला तो। तो भाई अगर हम एनाबेन को जाह्नवी से 100 बार कंपेयर करेंगे तो एनाबेन 105 बार जीत जाएंगी, क्योंकि जाह्नवी की एक्टिंग एनाबेन के सामने कुछ भी नहीं है। अंकल मुझे सच में नहीं पता। तो देखो भाई, हम अच्छे से जानते हैं कि मनोज पावा सर कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। वो अपने हर कैरेक्टर में पूरी जान डाल देते हैं, और यहाँ पर भी यही हो रहा है। दोनों फादर वाले सीन दोनों मूवीज में बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि भाई ये दोनों एक्टर ही कमाल के हैं। बात करें BGM के बारे में, तो भाई ओरिजिनल के BGM से वो टेंशन वाली वाइब आ रही है, जबकि हम रीमेक के BGM की बात करें तो ये हमें कुछ हॉरर जैसा लग रहा है। तो देखो भाई, नो डाउट ट्रेलर वाइज ये ट्रेलर बहुत ऑसम लग रहा है और प्रॉमिसिंग भी, लेकिन ओरिजिनल हेलन एक मास्टरपीस है। और भाई हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जाह्नवी की एक्टिंग कैसी होती है। तो पहली बात तो ये कि मेकर्स को रीमेक ही नहीं बनानी चाहिए थी, और अगर रीमेक बना ली है तो उसमें जाह्नवी को नहीं लेना चाहिए था। और चलो जाह्नवी को भी ले लिया तो इन्हें ये मूवी OTT पे रिलीज करनी चाहिए थी, ना कि थिएटर्स में। क्योंकि भाई आज के टाइम पे जब अच्छे अच्छे एक्टर्स की मूवीज नहीं चल रही तो भाई जाह्नवी की मूवीज कैसे पैसा कमा सकती है। लेकिन भाई कोई नहीं, ट्रेलर में जाह्नवी की एक्टिंग जाह्नवी की पहली मूवीज से बहुत सही है। तो भाई क्या पता मिली मूवी जाह्नवी के लिए एक अच्छी मूवी साबित हो। तो गाइस ये था एक सीन कंपैरिजन मिली और हेलन मूवी का। तो आप अपने हिसाब से इस कंपैरिजन को देखकर मुझे जरूर बताएं कि इन दोनों मूवीज में से कौन सी मूवी आपको ज्यादा प्रॉमिसिंग और अच्छी लग रही है। और साथ में मुझे ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है, मिली मूवी हेलन मूवी को थोड़ी टक्कर दे पाएगी या नहीं। बाकी गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।